दोस्तों वीवो अपना न्यू स्मार्टफोन वीवो V30 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है और इस फोन के इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस को लेकर के कुछ नया अपडेट आया है। इस वीडियो में इस फोन के कन्फर्म डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फोन कितने प्राइस पर इंडिया में आएगा और ये फोन कब लॉन्च होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं पूरे डिटेल्स में वीवो V30 5G के बारे में। सबसे पहले इस फोन के लुक का बात करें तो ये फ़ोन दिखने में कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फ़ोन दिखने में बैक साइड से बढ़िया होने वाला है, लेकिन प्रीवियस वीवो V29 सीरीज़ के कंपेरिजन में देखिएगा तो ये फ़ोन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस बार इस फोन का कैमरा और ओरा लाइट का सेटअप स्क्वायरिश कर दिया गया है और स्क्वायरिश कटआउट में ही दो कैमरा का सेटअप दिया गया है और LED फ्लैश ओरा लाइट के बीच में ही दिया गया है और फ़ोन के बैक पैनल पर वेब टाइप का डिज़ाइन दिया गया है जिसके वजह से फ़ोन दिखने में थोड़ा यूनिक सा लगता है। कुल मिला के फ़ोन दिखने में बैक साइड से बढ़िया होगा, फोन इन हैंड फीलिंग में भी बहुत अच्छा होगा। जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देगा क्योंकि फोन स्लिम भी होगा। वहीं फोन फ्रंट साइड से कर्व डिस्प्ले के साथ ही आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा। साइड का बेजल्स और चिन्ह भी बहुत कम रहेगा, फोन दिखने में फ्रंट साइड से भी बढ़िया होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को ये लुक ज्यादा अच्छा ना लगे, प्रीवियस वीवो V29 सीरीज का ही लुक ज्यादा अच्छा लगता हो, वैसे फोन लुक वाइज बढ़िया ही होने वाला है। और इस फोन का थिकनेस 7.45 mm रहेगा और इसका वेट 186 ग्राम होगा और इसमें एक फीचर मिलेगा जिसको यूज करके आप ओरा लाइट के टेम्परेचर को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जैसा लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ये फीचर एक कैमरा लवर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो ये फ़ोन 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले एक OLED डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला कलर डिस्प्ले होगा और ये HDR 10 प्लस के भी सपोर्ट के साथ आएगा और इसमें 2800 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा, यानी कि फ़ोन डिस्प्ले में बहुत बढ़िया होने वाला है। और जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो चलाने में आपको बहुत अच्छा फील देगा, फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा और वीडियो वॉचिंग में तो खैर बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप कोई भी हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करेंगे या कोई HDR कंटेंट देखेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। डिस्प्ले में फ़ोन आपको 100% सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फ़ोन क्वालकॉम के एक न्यू प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि होगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। ये 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना होगा तो बैटरी इफिशियंट भी होगा और पावरफुल भी होगा और इसका एंटीटू स्कोर बाहर निकल के आ गया है जहां पे ये फ़ोन 8 लाख से ज़्यादा का स्कोर कर ले रहा है। तो देखिए इससे क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में भी बढ़िया होगा। जब आप कोई भी गेम को इस फ़ोन में खेलेंगे तो गेमिंग अच्छे से होगा और ये गेमिंग करने वाले यूज़र के लिए फ़ोन बहुत बढ़िया रहेगा। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि जिस फ़ोन का एंटीटू स्कोर मिनिमम 8 लाख तक का रहता है तो वो सब फ़ोन परफॉर्मेंस में बढ़िया रहता है और इसका एंटीटू स्कोर तो 8 लाख से ज़्यादा ही रहेगा। तो इससे क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में बढ़िया होने वाला है और एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। आप अगर फ़ोन में ज़्यादा गेमिंग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग करते हैं, आपका नॉर्मल यूज है तो ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। वहीं इस फोन के कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ ही आएगा जहां कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा जो कि OIS के साथ आएगा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। फ़ोन कैमरा वाइज भी बहुत बढ़िया होगा, जब आप कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे या फिर जूम करके फ़ोटो क्लिक करेंगे या फिर पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करेंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा और इस फ़ोन के कैमरा से जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्वालिटी उसमें भी बढ़िया आएगा। फ़ोन कैमरा में आपको 100% सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं लीक्स में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमोस के सपोर्ट के भी साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये फ़ोन 5000mAh के बैटरी के साथ आएगा जहां 80W के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा तो फ़ोन बैटरी में भी बेस्ट होने वाला है। एक फ़ोन में जितना नीड होता है फास्ट चार्ज के सपोर्ट का उतना इसमें मिलने वाला है। वहीं ये फ़ोन IP54 के रेटिंग के भी साथ आएगा तो थोड़ा बहुत बारिश और डस्ट को भी झेल सकता है। वहीं ये फ़ोन वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 के कनेक्टिविटी के साथ आएगा और इसमें NFC का भी कनेक्टिविटी मिलेगा और ये फ़ोन फनटच OS 14 पर रन करेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा और मिनिमम इसमें 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये वीवो V30 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। देखिए ये फ़ोन यही सब डिटेल्स के साथ इंडियन मार्केट में भी आने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्राइस का बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन का प्राइस इंडियन मार्केट में 32-33 हज़ार रुपया रहने वाला है, लेकिन ये फ़ोन डिस्काउंट के बाद आपको 29,999 रुपया में मिलने का पूरा चांस है, ऐसा ही लीक्स में बताया जा रहा है। तो इस फ़ोन को लेके आप अगर सीरियस हैं तो मिनिमम 30K का टारगेट लेके ही चलिए, उतने से कम के प्राइस पे मिलने का चांस बहुत कम है। वहीं दोस्तों इस फ़ोन के लॉन्च डेट का बात करें
तो दोस्तों इस फोन के लॉन्च डेट को लेकर के जो न्यू अपडेट आया है वहाँ बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में एंड फरवरी तक में कभी भी लॉन्च हो सकता है। अभी कोई फिक्स डेट बाहर निकल के नहीं आया है, लेकिन कुछ लीक्स में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में मिड फरवरी में भी लॉन्च हो सकता है। ऐसे मिड फरवरी में लॉन्च होने का चांस कम है। अगर ये फ़ोन मिड फरवरी में लॉन्च नहीं होता है, यानी कि 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी को लॉन्च नहीं होता है, तो ये फ़ोन 22 फरवरी को लॉन्च हो सकता है, ऐसा ही लीक्स में बताया जा रहा है। सिंपल वर्ड में जानिए कि ये फ़ोन एंड फरवरी तक में कभी भी लॉन्च हो सकता है। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी न्यू अपडेट आया था वीवो V30 5G से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।